ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं आपका चीफ और वीक नंबर 34 में आपका स्वागत है, जो कि रैंक एडवांसमेंट वीक भी है। इसका मतलब है कि अब आप जागो, कॉफी की सुगंध लो या जो कुछ भी लेना चाहते हो ले लो, और इस वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में जितना कुछ भी हो सकता है वो आप करो, ताकि आपका TAT पूरा हो सके। रैंक एडवांसमेंट वीक वह वीक होता है जहां पर आप जी जान लगाकर मेहनत से हर चीज को सही तरीके से करते हो। आप अपना रैंक डैशबोर्ड देखिए और समझिए कि आपको और क्या चाहिए अपना संभावित रैंक हासिल करने के लिए, अपना TAT अचीव करने के लिए, जो कि आपके लिए हमेशा ही नॉन नेगोशिएबल होता है। आपका लक्ष्य है एक नया टारगेट हासिल करना या फिर एक निश्चित अमाउंट प्राप्त करना, तो इस वीक नंबर 34 में इसे हासिल करने से एक ही चीज है जो आपको रोक सकती है, और वो है आप खुद। चाहे वो फाइन टू है, या फिर हो सकता है कि वो $500 का चेक हो, या मैक्स आउट हिट करना हो, या कोई रैंक अचीव करना हो जैसे सफायर से प्लेटिनम, या जो भी आपको अचीव करना हो, उसके लिए मेरा मंत्र बहुत ही सरल है कि यदि ये काम मुझे करना है तो इसे मुझे ही करना है, न कि किसी और को। और मैंने इसे अपने इंस्टाग्राम लाइव में भी ये बात बोला है, क्योंकि कोई भी चीज या कोई अन्य भी आपको रोक नहीं सकता आपका लक्ष्य हासिल करने से, सिवाय आपके खुद के। तो अपने ईगो को हटाइए, अपने डर को हटाइए, सभी डाउट को, अनसर्टेनिटी को, हर चीज को हटाइए, और जो करना चाहते हैं उसे करिए, तभी आप अपना TAT हासिल कर पाएंगे जो भी आपने टारगेट सेट किया है इस सप्ताह के लिए। मैं बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, ऐसे लोग जो मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं। इस वीकेंड में मैं सबका व्हाट्सएप मैसेज जरूर चेक करूंगा, और ये हफ्ता बहुत ही शानदार गुजरा। एक नया मेंबर मेरी फैमिली में ज्वाइन किया, और बहुत सारा समय आजकल वीकॉन के तैयारियों में जा रहा है। दोस्तों, मैंने अपने ग्रेट दातोश्री विजय के विजन को हर हाल में साकार करने के लिए वादा किया है। बिना सोए अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और मैं सोया नहीं हूं, मैं आपका चीफ हूं, आपका अपलाइन, डेडिकेटेड, कमिटेड। और इस वेडनेसडे मैसेज में मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि मैंने महसूस किया है कि अधिकतर लोग आज के समय में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, और वो बात यह है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे। जब उनको आप प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करते हैं और उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, अल्टीमेटली जब आपके प्रोस्पेक्ट्स को क्यूनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, वो कभी भी QI टावर्स नहीं आए होते हैं, वो सिर्फ उतना ही कुछ समझते हैं और फील करते हैं जो कुछ भी आप उनको बताते हैं। उनके लिए आप ही क्यूनेट हो, आप ही कंपनी हो। तो आज जब आप क्यूनेट के साथ अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज ये जानिए कि जो पहली बाधा आपको पार करनी है वो यह है कि पहले खुद आपको बिजनेस के ऊपर 100% विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद 100% कन्विंस नहीं होते, आप किसी और को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं। 100% आपको पता होना चाहिए कि यह बिजनेस किस लिए है, दातोश्री विजय ईश्वरन और जापादास कौन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। ये सिर्फ निर्णय तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये निर्णय लिया था कि उनको बिजनेस को बिल्ड करना है और थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, और 99% सोसाइटी के लोग यही चाहते भी हैं, लेकिन उनको उस पर विश्वास करना पड़ेगा जो काम आप कर रहे हो। आपको किसी और को कन्विंस करने से पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। आप बोलोगे, चीफ मैं एकदम कन्विंस्ड हूं, मैं वीकॉन आया था, मैं दातोश्री विजय ईश्वरन पर विश्वास करता हूं। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कभी भी प्रोस्पेक्ट के लिए डाउट होना हमारी समस्या नहीं है, बल्कि डाउट हमारे अंदर हो तो वह हमारी समस्या होती है। अपने डाउट को क्लैरिफाई करिए, उनको स्पष्ट कीजिए। डाउट कैसा भी हो सकता है, ये कोई बेवकूफी वाला सवाल भी हो सकता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 अपनाइए, अपने अपलाइन के साथ काउंसिल कीजिए, सवाल पूछिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोस्पेक्ट के पास ऑब्जेक्शन होते हैं, डाउट्स होते हैं। नहीं, अधिकतर डाउट जो होते हैं, जैसा कि मैं दिन भर मैनेज करता हूं, वो डाउट प्रोस्पेक्ट के नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे डाउट्स होते हैं, हमारे डाउनलाइन के डाउट्स होते हैं। ये उनके मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, वही गूगल वो भी पढ़ते हैं, उन पर भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, अपने फैमिली का, रिलेटिव का। तो कभी भी इनको ग्रांटेड मत दीजिए, कभी भी इसको यूं ही जाने मत दीजिए। अपना कन्विक्शन लेवल, बिलीव लेवल, आपके लीडर्स के, आपके डाउनलाइन के, उसको भी ग्रांटेड मत लीजिए। कभी कभी 90 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर अपने डाउनलाइन के साथ भी बैठिए और पूछिए कि उनका कोई सवाल तो नहीं है, पूछिए कि क्या आपके मन में कोई सवाल है।
मेरे लिए गातो श्री विजय ईश्वरन ने हर बार इस चीज को सॉल्व किया है। मैंने देखा है वीकॉन में अपने सेशन को खत्म करने के बाद वो मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं, पद्मन आई वांट क्यू एंड आई, मैं लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि वो मानते हैं कि यदि 1% भी डाउट होगा तो ये हजारों लोगों के सेम डाउट हो सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इसके लिए आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। हम ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां बहुत सारे न्यूज आते हैं जिनमें से ज्यादातर गलत और फेक न्यूज होते हैं, वो भी पेंडेमिक लेवल के। गलत खबरों पर लोग आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। एक काम आपको कंसिस्टेंटली करना है, जो कि आपके अपलाइन भी बोलते हैं कि भले ही वे बोलें कि मैं आपके साथ हूं, हम आपके लिए मर भी सकते हैं, क्यूनेट सबसे अच्छी कंपनी है, ये सब तो ठीक है, परंतु फिर भी उनको डाउट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, फिर भी उनको इश्यू हो सकता है। सदैव अपने लीडरशिप में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को छूट दीजिए कि वो सवाल पूछ सकें, खुद को एक्सप्रेस कर सकें। कभी कभी हम उनको ऐसे दबाव बनाते हैं कि नहीं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ये जिंदगी आपकी है, शट अप एंड डू इट आदि। यदि आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं तो इससे उनके डाउट पुनः वापस आएंगे। कभी कभी व्यावसायिक रूप से उनके डाउट्स होना स्वाभाविक है। यदि आपने कभी सही निर्णय भी लिया है तो उस पर भी डाउट होना उचित है। आपको इस बात का डर लगना भी स्वाभाविक है कि मैंने अपना सारा फ्यूचर इस इंडस्ट्री को, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है या एक ग्रेट कंपनी क्यूनेट पे लगा दिया है। कभी कभी आप सक्सेस स्टोरी भी सुनते हैं, परंतु कभी कभी हम ऐसी कहानियां भी सुनते हैं जिसमें लोग इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाए। ये कोई चिंताजनक बात नहीं है। यदि आपको भी डाउट हो या कभी आपको भी डर लगे, परंतु आप उस स्थिति या अनिश्चितता या उस डर के साथ जितना ही ज्यादा रहेंगे, वो आपको अप्रभावी नेटवर्कर बना देता है। क्योंकि यदि एक मामूली सा डाउट भी आपके दिमाग में होगा, मुझे याद है कभी वीकॉन में मैं बुक साइन कर रहा था, एक बंदा हमारे पास आया और बोला कि चीफ, आपको पता है कि मेरा डाउट था कि दातो श्री विजय ईश्वरन सच में है कि नहीं है, परंतु जब मैं वीकॉन आया, उनको टच किया, उनको देखा, तो मेरा सारा डाउट खत्म हो गया और अब मैं वापस जाकर बिजनेस बिल्ड करूंगा। मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा क्या मजाक कर रहा है, हो सकता है वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअली वो सच बोल रहा है। मैं जब मलेशिया बिल्ड कर रहा था, उस समय मैं कभी हांगकांग नहीं गया था और मैं हमेशा दातो श्री को कहता था कि हांगकांग ऑफिस कहां पर है, कौन से फ्लोर पर है। वो बोले, सड़क फ्लाइट में चढ़ो और आओ यहां पे, टच करो बिल्डिंग को, क्योंकि जब आपको छोटा सा भी डाउट यदि आया तो आप कभी भी इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। मैं हांगकांग गया, वहां पे ऑफिस को छुआ, महसूस किया सेंट्रल प्लाजा में, और फिर मैं वापस आया। मैं अपने डाउनलाइंस के पास गया और बोला, ये देखो ऑफिस वहां भी है, चलो अब बिल्ड करते हैं। तो कभी भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। अब पहली चीज आपको जो करना है वो ये करना है कि अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे हो, अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से हैंडल करना है, अर्थात आपके खुद के दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका कन्विक्शन लेवल 100%, विश्वास लेवल 100% होना चाहिए, आपका सब कुछ 100% होना चाहिए। 99% हुआ तो भी 1% डाउट है, इस चीज को कभी भी दिमाग में रहने मत दीजिए। आप जिस प्रोस्पेक्ट से डील कर रहे हो वो कौन है, वो भी आप ही के जैसा है, वो भी इंसान है। आप उनको अप्रोच कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, या ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए, या वन एंड वन प्रेजेंटेशन के लिए, या जूम पर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए, परंतु कभी भी ये उम्मीद मत कीजिए कि वो प्लान में आते ही हाँ बोलेंगे, क्योंकि आपके मिलने से पहले ही उनके पास बहुत सारी अनावश्यक जानकारी पहुंच चुकी होती है। मेरा अप्रोच प्रोस्पेक्ट के साथ हमेशा उनको अंदर खींचने के लिए होता है। कभी भी उनके करीब पहुंचकर बैंग 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 सारा इंफॉर्मेशन, सारा ब्रोशर, बेस्ट कंपनी स्टार्टअप, 2 मिनट्स में साइन अप करते हैं, दिस दैट प्रेजेंटेशन, ये ट्रैकिंग सेंटर, ये प्रोडक्ट्स, ये वो, ये सब बात मत करिए। वह हां भी बोल सकता है, हो सकता है प्रोडक्ट भी खरीद ले, लेकिन वो कभी भी बिजनेस बिल्ड नहीं करेगा। मुख्य नियम यह है कि प्रोस्पेक्ट को अंदर खींचना पड़ता है, और बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसा करते समय बहुत आक्रामक हो जाते हैं। वे इतनी तेजी में होते हैं कि प्रोस्पेक्ट को अंदर खींचने के बजाय धक्का देकर खुद से दूर कर देते हैं। गोल्डन रूल यह है कि उनके बारे में बात करिए, दिखाइए कि आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही एक डील क्लोज करना है। बीवी के लिए डेस्परेट ना, आपको बीवी तो दिला देगा, लेकिन आप अपना नेटवर्क खो दोगे। बस बीवीज नहीं चाहिए हमें, बिना नेटवर्क के इसका क्या उपयोग है। ऐसे तो आप सारी जिंदगी बीवीज के पीछे पड़े रहेंगे। हम यहां पे सिर्फ बीवीज के लिए नहीं है, हम यहां पर नेटवर्कर की खोज में हैं। हम यहां स्विच्ड ऑन वॉरियर्स का नेटवर्क बनाने के लिए हैं, ताकि एक दिन आप घर बैठे ही मैक्स आउट कर सकें। तो प्रोस्पेक्ट को अंदर की ओर खींचिए।
भूल जाइए ट्रस्ट को और अन्य बड़े शब्दों को और उनको कंफर्टेबल करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे उतना ही आप उनके बारे में सवाल करिए। सबको अच्छा लगता है जब उनका महत्व तो महसूस कराया जाता है, उनको भी अच्छा लगेगा यदि उनके बारे में बात हो ना कि आपके बारे में। अपने बारे में बात ना करके आप प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जो उसकी जिंदगी बदल देगी। और यदि आप ईमानदार हैं तो जरूर उनका ख्याल रखेंगे। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि हर प्रेजेंटेशन जो हम दिखाते हैं उसे दिल से दिखाना चाहिए, सिर्फ बीवीज के लिए नहीं बल्कि उस इंसान की जिंदगी बदलने के उद्देश्य से, बशर्ते कि हम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दातों श्री विजय और जापानस बिस्मार्क के विद्वता या पैशन के रूप में सामने लाए। क्या आप चाहते हो कि वो हमारी दुनिया में आए? तो उनको इतना मत खींचिए कि वो चिल्लाने लगे। उनको इनवाइट कीजिए कि आप हमारे घर पर पधारो या मैं आपके घर आ सकता हूं क्या। पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में जानिए, उससे जबरदस्ती मत कीजिए कि वो भी आपको समझे। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको क्रेडिट कार्ड या बड़ा अमाउंट तुरंत दे दें। यदि आप चाहते हैं कि वो सही निर्णय ले, एक सही इमोशन, सही एटीट्यूड, सही विश्वास, सही कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ, तभी आपको नेटवर्कर मिलेंगे, न कि एक्सेल की तरह। क्योंकि यदि आप बीवीज के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं तो जिंदगी भर आप भागते रहेंगे, परंतु यदि आप नेटवर्कर के पीछे भागेंगे तो क्यूनेट में बहुत जल्दी आप रिटायर हो जाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी चीज है प्रेजेंटेशन। बहुत ज्यादा ओवरलोड ना हुए, बहुत कम जानकारी देना भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा जानकारी देना भी ठीक नहीं है। ओनली नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन दीजिए। ऐसी बात का जिक्र नहीं करना है जिसका प्रोस्पेक्ट के लिए कोई मायने ना हो। प्रोस्पेक्ट को शेयर कीजिए कि कितना हमारा अमेजिंग और अनबिलीवेबल प्रोडक्ट्स हैं। अपना अनुभव शेयर कीजिए जो आपने प्रोडक्ट्स के बारे में कर रखा है। अपना कंपनसेशन प्लान डिस्कस करिए, इसके पोटेंशियल के बारे में बताइए जो कि सच है और हम उतना कमा सकते हैं। उनको बताना है कि कमिटमेंट और हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन आप सदा उनको गाइड करने के लिए यहां हैं। उनको अपनी कंपनी और उसकी विश्वसनीयता के बारे में हर चीज बताना है, परंतु यह जानकारी बहुत ज्यादा भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं। बताने में बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं बताना है, बल्कि इसको हमेशा संतुलित रखना है। उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, उनके आई कॉन्टेक्ट को देखते हुए हमारे प्रेजेंटेशन से वो कंफर्टेबल है कि नहीं, इसका ध्यान रखना है। जब मैं समझ जाता हूं कि प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल नहीं है तो मैं रुक जाता हूं और आगे पूछता हूं कि व्हाट्सअप ब्रो, आप थोड़ा विचलित सा लग रहे हो, क्या कोई सवाल है मन में या कोई कंसर्न हो तो आप बात कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि मैंने आपकी कंपनी के बारे में ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ा है, शानदार, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब आप इसके बारे में मुझसे पूछोगे, और मैं रुक जाता हूं। फिर मैं पूछता हूं कि बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है ऑनलाइन, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जवाब दूंगा, लेकिन अंततः आपका निर्णय होगा सर्वमान्य। मुझे मेरे विजन की सच्चाई बताने दीजिए। आपने जो वर्जन सुना होगा वो रिपोर्टरों और जर्नलिस्टों द्वारा बनाया गया होगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं और जिन चुनौतियों का मैं सामना करता हूं उनके बारे में भी बताता हूं। 24 साल के बाद भी हम कैसे खड़े हैं ये बताता हूं। पिछले 11 साल से हम लोग मैनचेस्टर सिटी के साथ में पार्टनर हैं। मलेशिया में हमारा टावर है, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है मलेशिया में, सारी दुनिया में हमारे पास होटल्स हैं। एक मिनट के लिए सोचिए कि 24 साल से हम यहाँ पे हैं। आपको क्या लगता है यदि हम कुछ गलत करते तो 24 साल से हम लोग यहाँ पे रह पाते? यदि हमारा या हमारे फाउंडर्स का इरादा गलत होता तो 24 साल से हम यहाँ पे नहीं टिकते? दुनिया भर में 40 ऑफिस हैं, दुनिया भर में लाखों करोड़ों डाउनलाइंस हैं, और क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? जब ये कंफर्टेबल फील करें तभी आप उन्हें जवाब दीजिए। सभी प्रोस्पेक्ट के लगभग 10 ऑब्जेक्शन ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बस अलग अलग स्टाइल, अलग अलग भाषा में सवाल पूछे जाते हैं। उनके सभी ऑब्जेक्शन को वैसे ही हैंडल करो जैसा कि मैंने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में बताया है, फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे पता है तुम्हें क्या फील हो रहा है। 1998 में मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था, और पता है मैंने क्या पाया? प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल करिए, ऑब्जेक्शन को अपने पूर्ण विश्वास के साथ हैंडल करिए, उनके प्रश्नों का कॉन्फिडेंस के साथ दिल से आंसर कीजिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कीजिए, उनको अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए। कुछ प्रोस्पेक्ट कभी कभी ऐसे वैसे सवाल पूछते हैं और वे सोचे रहते हैं कि मैं तो मना ही करूंगा, परंतु कैसे मना करेंगे वो ये नहीं जानते। जब आपको पता चल जाता है कि वो आपको मना करना चाहते हैं तो मैं उनसे सीधे पूछ लेता हूं, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, मुझे पता है मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है, मुझे पता है आप क्या महसूस कर रहे हो,
कुछ सवालों के मैं और जवाब दूंगा, आप जब कंफर्टेबल हो तो आंसर दीजिए, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपना क्रेडिट कार्ड अभी रख लीजिए या निर्णय लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को साइनअप के लिए प्रेशर करता हूं तो मुझे बेबीज तो मिल जाएगी लेकिन मैं नेटवर्कर खो दूंगा। मैं यहां सिर्फ बेबीज के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आया हूं डुप्लीकेट करने के लिए, नेटवर्कर बिल्ड करने के लिए, जैसा कि धातु श्री विजय और जापान ने विगत 24 सालों से किया है। तो याद रहे, आपका प्रोस्पेक्ट अगर लीगल इलीगल के बारे में यदि कुछ बोलता है तो हमारे पास बहुत सारे वीडियोस और बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं दिखाना है, उतना ही दिखाइए कि वो कंफर्टेबली आपको सुन सके, और रुक जाइए, उसका दूसरा सवाल हो तो पूछने दीजिए। मैं आज नेटवर्कर के रूप में बोलता हूं कि मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जानकारी ग्रहण करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्रिप्टो और बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर मिलती हैं। मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा आराम से बात करना है, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा कि यदि वो हां या ना भी बोलते हैं तो ये आपको ट्रेंड करता है, आपकी तलवार की धार को और तेज करता है, वो आपको और बेहतर नेटवर्कर बनाएगा, न केवल प्रोस्पेक्ट को हैंडल करने के बारे में बल्कि किसी को भी हैंडल करने के बारे में। लेकिन अल्टीमेटली याद रखिए, वो कभी भी इस मोमेंट में आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके दिमाग को समझ नहीं पाएंगे, क्यूनेट कितना सुंदर बिजनेस है या कितना अमेजिंग बिजनेस है वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे, उनको समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और आपका मुख्य काम यही रहेगा कि आप उनको तब तक कंफर्टेबल बनाए रखिए जब तक कि उनको क्लिक ना मिले, और उनको कंफर्टेबल बनाइए, विश्वास पात्र बनकर, निष्ठावान बनकर अपना दिल दिखाइए, अपना सुहाना सफर बताइए, जरूरत से ज्यादा भी मत बोलिए और कम भी मत बोलिए। प्रोस्पेक्ट कोई मूर्ख नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, उनके अपने विचार अनेक होते हैं, उनको पता है क्या क्या चल रहा है सारी दुनिया में, आपको उनको सिर्फ इतना समझाना होता है कि आपके पास एक सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और ये हर प्रोस्पेक्ट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को साइनअप करे और खुद को बहुत बड़ा नेटवर्कर बनाए। तो इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत करिए, इसको अनसर्टेनिटीज और अग्रेशन के साथ मत गंवा दो। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी समझाना है, नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना है। प्रत्येक प्रेजेंटेशन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अरुण, अदली, डेविड, सती, दातोश्री, विजयेश्वरन, जापरास जैसा प्रोस्पेक्ट पाने के लिए इसे बेकार बिल्कुल मत करिए। खुद को तैयार रखिए प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। आपको डिग्री या पीएचडी नहीं करना है, बल्कि आपको एम्प्टी कप होना और प्रैक्टिस होना जरूरी है। आप किसी को भी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और अंततः आप सभी से कहूंगा कि बिजनेस हमेशा दिल से करिए दोस्तों, और आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है आप सबसे। लव यू गाइस, मिलते हैं वीकॉन में।